ऐतिहासिक बारूनी पहाड़, जो खोरगा किले और पर्यटकों के रुचि के कई अन्य स्थानों से निकट विराजमान है। यह पर्यटकों के लिए एक गंतव्य स्थान है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो एक दिन को यात्रा की दृष्टि से देखते हैं। पर्यटकों या भक्तों के लिए ऐसा ही एक स्थान है माँ बरुणी मंदिर। यह मंदिर हिंदू देवी बरुणी को शक्ति की अभिव्यक्ति के लिए समर्पित है। यह मंदिर भारतीय राज्य ओडिशा के खोरगा जिले में बरुणी पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर के गर्भगृह में जुड़वा देवी, बारूनी और करुणी की मूर्तियां स्थापित हैं। यह मंदिर प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है। यहाँ पहाड़ियों से एक सुंदर जलधारा बहती है, जिसे स्वर्ण गंगा के नाम से जाना जाता है, जो इस स्थान की सुंदरता को और बढ़ा देती है। चूंकि पानी पहाड़ी के ऊपर से विभिन्न औषधीय पौधों से होता हुआ आता है, जिसके पानी में कई औषधीय गुण हैं, और यहाँ एक तालाब भी है। मंदिर की प्राकृतिक सुंदरता के कारण यह स्थान पर्यटकों के लिए पसंदीदा स्थान बन गया है। इस मंदिर के पीछे एक कहानी है। कांची युद्ध में कांची के राजा को हारने के लिए राजा गजपति पुरुषोत्तम देव ने भगवान जगन्नाथ और बलभद्र, बारूनी और कारुणी की सहायता ली। इन सब ने मिलकर कांची के राजा को परास्त कर राजा पुरुषोत्तम को युद्ध को जीतने में मदद की। यह माना जाता है कि बारूनी और कारुणी दोनों देवियों ने उस समय कई अंग्रेजी सैनिकों को परास्त किया और खोरगा किले की खेतेश्वरी कहलाई और पाइका समुदाय द्वारा देवी बारूनी और कारुणी की पूजा की गयी। यह उल्लेख है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने एक मवेशी की बलि देकर देवी की शक्ति को कम कर दिया। खोरगा अपने योद्धा समुदाय या पाइकास के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि वे बहादुर सेनानी थे। राजा रामचंद्र देव ने देवियों के लिए पहाड़ी पर मंदिर की स्थापना की थी। हालांकि नवीकरण की एक श्रृंखला के बाद मंदिर स्थानीय लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गया। पहाड़ी में मां के इस मंदिर की उपस्थिति के कारण राज्य के सभी कोनों से लोग मां के दर्शन करने आते हैं। मां बारूनी और करुणी योद्धा के समान अपने भक्तों के कष्टों से लड़कर उन्हें सुखद जीवन प्रदान करती हैं। Thank you.